हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ के लिए पनोरमा बुक का जो सिक्स्थ चैप्टर है ट्रबल इन बोहेमिया अर्थात बोहेमिया में कष्ट लेकर आए हैं, तो हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए टाइटल दिया गया है, हमारा जो टाइटल है वो दिया गया है ट्रबल इन बोहेमिया। इसका अर्थ होता है बोहेमिया में कष्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। Whenever Sherlock Holmes spoke of Iron Adler, जब कभी भी Sherlock Holmes Iron Adler से बोलता, it was in terms of great respect, वह हमेशा उनसे बहुत आदर से बात करता। She was always the woman, वह हमेशा एक अच्छी औरत बनकर रही। This did not mean that, इसका ये मतलब नहीं था कि he was in any way sentimental about her, कि जो शेरलॉक था वह किसी भी तरह से आयरन एडलर के लिए बहुत भावुक था। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग करियर, लेकिन उसके पूरे जीवन के दौरान आयरन एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्संस, उसके लिए आयरन एडलर उन सभी व्यक्तियों में से एक विशेष व्यक्ति थी हु हैड प्रोवन टू बी जस्ट एज क्लेवर एज शेरलॉक, जो शेरलॉक की तरह ही चतुर सिद्ध हुई जैसा शेरलॉक खुद चतुर था। Anyway, फिर भी आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट वन डे, एक दिन क्या हुआ कि मैं शेरलॉक होम्स के एक कमरे में था। वैन अटाल, तभी एक लंबा हैंडसम मैन, एक सुंदर व्यक्ति ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ ए फॉरेन कंट्री, जिसने एक विदेश की गणवेश पहनी हुई थी, केम टू शी हिम, उसे देखने के लिए आया। द मैन वोर ए मास्क एंड pretended to represent a second person, उस व्यक्ति ने एक मास्क पहना हुआ था यानी मुखौटा पहना हुआ था और वह एक दूसरे व्यक्ति के वहाँ होने का दावा कर रहा था। But Holmes soon recognized the man, लेकिन होम्स ने जल्दी ही उस व्यक्ति को पहचान लिया। Addressed him as your majesty, और उससे कहने लगा श्रीमान। And the fellow then admitted that, उसके बाद उस व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि ही वाज द किंग ऑफ बोहेमिया, कि वह बोहेमिया का राजा था। ही हैड कम, वह आया, ही सैड, उसने कहा, टू आस्क शेरलॉक होम्स से पूछो हेल्प इन ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, कि वह एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर उसकी सहायता करे। इट सीम्स दैट 5 years अर्लियर, यह लगभग 5 वर्ष पहले की बात थी, बिफोर ही हैड कम बिकम किंग, इससे पहले कि वह राजा बनता, ही हैड बीन इन वारसा ऑफ ऑन ए विजिट, वह वारसा घूमने के लिए गया। एंड हैड फैलन इन लव विद ए ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस, और वहां जाकर वारसा में वह एक बहुत ही सुंदर अमेरिकन नायिका से प्यार में पड़ गया, मिस आयरन एडलर, जिसका नाम था मिस आयरन एडलर। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट दैट टाइम, मैं उस समय एक सबसे बड़ा राजकुमार था, ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया। एंड आई वॉज यंग, मैं नौजवान था। शॉर्टली आफ्टर, इसके बाद आई बिकेम किंग, इसके बाद मैं राजा बन गया। आयरन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, आयरन एडलर जो थी वह शाही परिवार से नहीं थी। माई फैमिली एंड द मेम्बर्स ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड आउट अबाउट द मैटर, मेरे परिवार और सरकार के कुछ व्यक्तियों को ये इस बारे में पता चला। एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट, और साधारण तौर पर यह कहा गया कि आई मस्ट गिव मिस एडलर अप, कि मैं मिस एडलर को छोड़ दूँ। आई लव्ड हर डीपली, लेकिन मैं उससे बहुत अधिक प्यार करता था। बट माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नेचुरली टू माई कंट्री, लेकिन मेरा पहला उत्तरदायित्व मेरे देश के प्रति था। द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, राजा इस प्रकार से वर्णित करता रहा, दैट कि ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू ए प्रिंसेस, कि उसकी शादी अब एक ऐसी राजकुमारी से हो गई जो ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री, जो पड़ोस के ही एक देश की है। एंड दैट, और यह कि आयरन एडलर, कि वो आयरन एडलर हु वाज स्टिल अपेरेंटली इन लव विद हिम, कि जो आज भी शेरलॉक से प्यार करती है, हैड सैड, उसने ये कहा था, दैट कि शी वॉज गोइंग टू राइट टू द प्रिंसेस एंड टेल हर आल, कि वह शेरलॉक के साथ जो राजकुमारी अब शादी कर रही है उसको एक पत्र लिखेगी और उसे सब कुछ बता देगी। इज़ इट मनी मिसेज एडलर वांट्स, क्या मिसेज
मिस एडलर पैसा चाहती थी, आस्क्ड होम्स। होम्स ने पूछा। हेवंस नो, बिल्कुल नहीं, सेड द किंग। राजा ने कहा, शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आयरन एडलर इस प्रकार की औरत नहीं थी। शी सिंपली इंसिस्ट दैट, वह तो केवल इतना कहती है कि शी स्टिल लव्स मी, कि वह आज भी मुझसे प्यार करती है। एंड शी रिफ्यूजेज टू लेट मी मैरी समवन एल्स, और वह मेरी शादी किसी और से नहीं करने देना चाहती। आई सपोज, मैं आशा करता हूँ, शी हैज़ सम लेटर्स ऑफ योवर्स, कि शायद उसके पास तुम्हारे कुछ पत्र भी होंगे। बट वी कैन प्रूव दैट, लेकिन हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि दे आर फॉल्स, कि वे पत्र झूठे हैं। सेड होम्स, होम्स ने कहा, दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर, वे सारे पत्र मेरे खुद के निजी कागज़ पर लिखे गए हैं। एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग, और मेरी ही लिखाई में लिखे गए हैं। शी आल्सो हैज़ माई फ़ोटोग्राफ, उसके पास मेरे फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। वी कैन प्रूव दैट, हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि द पेपर वाज स्टोलन, कि जो कागज़ थे वो चुरा लिए गए थे। एंड दैट योवर हैंड राइटिंग वाज कॉपीड, और मेरी लिखाई को की नकल कर ली गई थी। एनी वन कैन बाय योवर फ़ोटोग्राफ, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारा फ़ोटो खरीद सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, शी एंड आई, वह और मैं, आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, एक फ़ोटो में मैं और तुम बिल्कुल एक साथ हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा, दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट। सेड होम्स, होम्स ने कहा, यह बात अलग है। हैव यू ट्राई टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे, क्या तुम उससे वो फोटोग्राफ लेने का किसी भी तरीके से मेरी सहायता कर सकते हो? आई हैव हैड द पुलिस एग्जामाइन हर अपार्टमेंट, मुझे उनके कमरे का एक निरीक्षण करना होगा। आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट, मुझे उन्हें गली में रोकना होगा। एंड आल्सो व्हाइल ट्रैवलिंग, और फिर उन्हें गली में रोककर घर जाना होगा। बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक ऑन और इन हर ट्रैवलिंग बैग्स, लेकिन उसके घर में जाकर उसने देखा कि ना तो उसके डिक्शनरी में, ना तो उसकी किताबों में यानी डायरी में कुछ था, और ना ही उसके यात्री बैग में कुछ था। यू शी, तुम देखते हो, मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज़ आयरन एडलर अ ब्यूटीफुल वूमन, तुमको पता है कि आयरन एडलर न केवल एक सुंदर औरत है, बट शी इज़ क्लेवर, बल्कि वह चतुर भी है। एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, और उतनी ही होशियार भी है। होम्स ऑब्टेंड ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन ही कुड फ्रॉम द किंग, होम्स ने वो सारी अतिरिक्त सूचनाएँ प्राप्त कर ली जो वो राजा से प्राप्त कर सकता था। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, लेफ्ट होम अर्ली, उसने जल्दी ही अपना घर छोड़ दिया, अर्थात वो घर से निकल लिया। आई हैपन्ड टू मीट हिम दैट नाइट आउटसाइड अवर हाउस, मैं बाई चांस यानी कि घटनावश उसके घर के बाहर उससे मिला। जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम, जब वह घर जा रहा था। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसे नहीं पहचाना नेचुरली, साधारण तौर पे, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, क्योंकि उसने एक वृद्ध कैब ड्राइवर का रूप धारण कर रखा था। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि ही हैड स्पेंट ऑल डे इन, कि उसने पूरा दिन इसी प्रकार से बिताया, इन एंड अराउंड आयरन एडलर्स होम, या फिर आयरन एडलर के घर के चारों तरफ घूमकर बिताया। टॉकिंग विद अदर कैब ड्राइवर्स, दूसरे कैब ड्राइवर से बात करते हुए। एंड विद एनीबॉडी, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए। हु सीम्ड टू नो एनीथिंग अबाउट मिस आयरन एडलर, जो मिस आयरन एडलर के बारे में कुछ जानता हो। ही हैड सीन हर पर्सनली, उसने उसे खुद व्यक्तिगत रूप से भी देखा। एंड बाई वन मीन्स और अनोदर, और एक या दो साधन से, हैड इवन टॉक्ड विद हर, और उससे किसी तरह बातचीत भी की। शी इज ऑल दैट द किंग सेज शी इज एंड मोर, वह उतना सब कुछ थी जितना कि राजा ने उसको बताया। ही सैड, उसने कहा, शी इज़ अ ब्यूटीफुल वूमेन, वह एक बहुत ही खूबसूरत औरत है। आई आल्सो डिस्कवर्ड अ सरप्राइजिंग फैक्ट, मैंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य का भी पता लगाया। आयरन एडलर गोट मैरिड एट 5 o'clock टूडे, कि आज आयरन एडलर की 5 बजे शादी होने वाली है टू मिस्टर गॉडफ्रे नोटन के साथ। प्रीवियसली हर लायर, जो पहले उसका वकील रह चुका है। आई डू नॉट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड, मैं नहीं जानता कि ये शादी उसके इस मामले को और अधिक साधारण बनाएगी या जटिल बनाएगी। ऑल्दो शी हरसेल्फ इन एन ऑनरेबल पर्सन, यद्यपि वह खुद में एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है। हु नोज, जो ये जानती है, व्हाट एडवांटेजेस
हर हस्बैंड की उसके पति के क्या क्या फ़ायदे हैं, लॉयर, वह एक वकील है, मैं शी इन ए फोटोग्राफ ऑफ हर, वह उसे उसके फोटोग्राफ में भी देख सकता है, एंड द किंग ऑफ बोहेमिया टेकन टुगेदर, जो बोहेमिया के राजा के साथ उसका फ़ोटो है, वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाई आल मीन्स, हमें वो फोटोग्राफ येन केन प्रकरण लेने ही होंगे, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, द फोटोग्राफ इज इन हर होम एंड टुमोरो, निश्चित रूप से वो फोटोग्राफ उसके घर में होंगे, और कल वाटसन यू मस्ट हेल्प मी टू गो देयर एंड गेट इट, कि कल तुम मेरी उसे लेने में सहायता करोगे, वाइल होम्स वाज टेलिंग मी दिस, जबकि होम्स ये सारी बातें मुझे बता रहा था, वी स्टूड एट द फ्रंट डोर, हम सामने के दरवाजे पर खड़े थे, ए यंग मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट पास्ड द स्ट्रीट, तभी एक नौजवान व्यक्ति एक ओवरकोट पहने उस गली से गुजरा, गुड नाइट शेरलॉक होम्स, उसने बोला, शुभ रात्रि शेरलॉक होम्स, सेड द यंग मैन, नौजवान ने कहा, नाउ हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज मी इन दिस डिसगाइज, अब सवाल ये उठता था कि मुझे इस वेश में उसने, वह कौन व्यक्ति था जिसने मुझे इस वेश में भी पहचान लिया, सेड होम्स, होम्स ने कहा, दैट वॉइस आल्सो साउंड फैमिलियर, यह आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है, एनीवे, फिर भी द नेक्स्ट डे 5 o'clock, अगले दिन सुबह 5 बजे, इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, होम्स नाउ डिस्गाइज्ड एज ए प्रीस्ट, अब होम्स ने एक पंडित का रूप धारण कर लिया, वाज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आयरन एडलर्स होम, और वह आयरन एडलर के घर के बाहर ही घूम रहा था, व्हेन मिस एडलर अराइव्ड फ्रॉम हर डेली राइड इन द पार्क, जब मिसेज आयरन एडलर, मिस आयरन एडलर अपने रोजाना की घुमाई से पार्क में से लौटी, एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ हर कैब, जैसे ही उसने अपनी गाड़ी से पैर बाहर रखा, होम्स प्रटेंडेड टू फेंट, होम्स ने बेहोश होने का बहाना लगाया, सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम, बहुत से लोग उसकी सहायता करने के लिए आए, एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम टू कैरी हिम इन टू हर लिविंग रूम, और मिस एडलर ने अंतिम रूप से कहा कि ऐसा करो, इसको, इस व्यक्ति को, बेहोश व्यक्ति को मेरे कमरे में ले चलो, एज होम्स हैड डायरेक्टेड, जैसे ही होम्स को उसके घर ले जाया गया, आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन, मैं पूरे समय बगीचे में खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगा, जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, उस कमरे की जो खिड़की थी उसके बाहर ही मैं खड़ा रहा, एंड एट ए सिग्नल फ्रॉम होम्स, और जैसे ही होम्स का सिग्नल मिला, इनसाइड, अंदर से, आई थ्रू सम लाइटेड पीसेज ऑफ पेपर इन टू द रूम, मैंने आग जलाकर कुछ कागजों को कमरे के अंदर फेंक दिया, थ्रो द विंडो, उस खिड़की में से, देयर वाज ए क्राई ऑफ फायर फायर, तभी वहाँ पे आग आग की आवाज़ सुनाई दी, फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स, एक नौकर की, एंड आई देन डिसअपीयर्ड, इसके बाद मैं गायब हो गया, सेवरल आवर्स लेटर, काफ़ी घंटों के बाद होम्स अराइव्ड होम, होम्स घर आया, क्वाइट प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, खुद से बहुत खुश होकर, एंड विद द सेटिस्फैक्ट्री वे, और पूरे संतुष्टिजनक तरीके से, एवरीथिंग हैड टर्नड आउट, सब कुछ हो गया था, इट इज़ एन ओल्ड ट्रिक वाटसन, यह एक बहुत पुरानी चालाकी है, ही सैड, उसने कहा, बट इट वर्क जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, लेकिन इसने उसी तरह से काम किया जैसा मैंने आशा की थी, व्हेन समवन क्राइड फायर फायर, जबकि कोई चिल्लाया आग आग, आयरन एडलर रैन, तो आयरन एडलर भागी, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, मुख्य रूप से, बहुत ही तेज़ी से, टू गेट द वन थिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस इन द हाउस द फोटोग्राफ, जो घर में सबसे मुख्य चीज़ थी फोटोग्राफ, उसे लेने के लिए, इट इज़ हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स, उसने उस फोटोग्राफ को दीवार पर एक बहुत ही रहस्यात्मक जगह पर छिपाया है, शी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ, लेकिन उसने वह फोटोग्राफ नहीं हटाया, बिकॉज क्योंकि व्हेन शी सॉ दैट द फायर वाज ओनली ए मैटर ऑफ ए फ्यू बर्निंग पेपर, जब उसे पता चला कि यह आग केवल कुछ जलते हुए कागजों की है, शी स्टॉप्ड, तो वह उस फोटोग्राफ को निकालने से रुक गई, बट शी डिड ऑल दैट वाज वेरी नेसेसरी टू शो मी एग्जैक्टली वेयर द फोटोग्राफ इज हिडन, लेकिन उसके इस काम से मुझे ये पता चल गया कि फोटोग्राफ कहाँ छुपाए गए हैं, टुमोरो वी शैल गो देयर विद द किंग, कल हम वहाँ राजा के साथ जाएंगे, एंड विद सेवरल पुलिसमैन, और बहुत से पुलिस के व्यक्तियों के साथ, एंड गेट द फोटोग्राफ, और वो फोटोग्राफ ले लेंगे। द नेक्स्ट डे हाउएवर व्हेन होम्स वेंट टू मिस एडलर्स हाउस, अगले दिन
जब होम्स मिस एडलर के घर पहुंचा, ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक्स ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर। उसके पूरे जीवन में उसे सबसे बड़ा धक्का उसी दिन लगा। देयर वॉज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं था, एंड मिस एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट्स हैड अपेरेंटली गोन अवे। और मिस एडलर और उसके सारे जो नौकर थे वो मुख्य रूप से जा चुके थे। होम्स वेंट एट वंस टू द सीक्रेट प्लेस इन द वॉल। होम्स जल्दी से उस दीवार के रहस्यात्मक स्थान की तरफ गया। द फोटोग्राफ वॉज देयर बट देयर वॉज द दिस मैसेज विद इट। वहाँ पे फोटोग्राफ था लेकिन उस फोटोग्राफ के साथ वहाँ ये मैसेज भी था, इट रीड, जिसे पढ़ा गया। डियर शेरलॉक होम्स, प्रिय शेरलॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट, मुझे यह बताया गया था कि द किंग वुड प्रोबेबली गो टू योवर यू फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ। की मुझे यह बताया गया था कि शायद जो राजा है वो तुम्हारी इस फोटोग्राफ से सहायता करेगा। दस आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे, इसलिए मुझे पता था कि तुम किसी दिन जरूर आओगे। फर्स्ट, सबसे पहले आई रिकॉग्नाइज्ड योर डिसगाइज एज ए कैब ड्राइवर, सबसे पहले मैंने तुम्हें एक कैब ड्राइवर के रूप में पहचान लिया था। एंड देन फॉलोड यू टू योर अपार्टमेंट जस्ट टू मेक श्योर इट वॉज यू। उसके बाद मैंने अपने तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पीछा किया और ये विश्वास बनाया कि वो तुम ही थे। आई वॉज द यंग मैन हु पास्ड इन द स्ट्रीट, मैं ही वो नौजवान व्यक्ति था जो उस समय गली से गुजरा। एंड स्पोक टू यू, और तुमसे गुड नाइट मैंने बोला था। डोंट फॉरगेट दैट, यह भी मत भूलो कि आई टू एम एन आर्टिस्ट, कि मैं भी एक कलाकार हूँ। यस्टरडे आई आल्सो रिकॉग्नाइज योर लिटिल ट्रिक ऑफ गेनिंग एंट्रेंस टू माई हाउस, कल भी मैंने तुम्हारी जो चालाकी थी मेरे घर में घुसने की उसे पहचान लिया। एंड फोर्सिंग मी टू शो यू वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, और तुमने मुझ पर दबाव डाला कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने फ़ोटोग्राफ कहाँ छिपाए हैं। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, लेकिन अब वो मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। द फोटोग्राफ इज हेयर फॉर यू, ये फोटोग्राफ तुम्हारे लिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन, अब मैं एक व्यक्ति से शादी कर रही हूँ। मच बेटर देन द किंग, जो राजा से ज़्यादा कहीं अच्छा है। एंड वी हैव गोन अवे टुगेदर, और हम यहाँ से दोनों ही जा रहे हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, आज मेरा जो पति है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड आई एम इन लव विद हिम, और मुझे भी उनसे प्यार हो गया है क्लियरली, पूरी तरह से। आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, अब मुझे उस फोटोग्राफ की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमने ये छोटा सा चैप्टर इस वीडियो में कम्प्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।